सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगा, बिकॉज आज हम एक ब्रांड न्यू टॉपिक जो कि अभी जो है टॉपिक में बात करेंगे। तो वो टॉपिक क्या है? तो ये जी हाँ, थंबनेल में देख चुके होंगे जो 43 ऐप्स जो कि बैन हुए हैं इंडिया रिसेंटली बैन हुए, उसके बारे में बात करेंगे और कौन से ऐप उसके बारे में तो ऑब्वियसली बात ही करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले तो बताते, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये जो वीडियो हम बहुत मेहनत करके आप तक लाते हैं, आप थोड़ी जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, इससे क्या हमें जो हेल्प हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो पर जो ऑब्वियसली हम बात करते हैं, तो 43 ऐप्स जो कि बैन हुए हैं इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे, उसको हमारे बारे में बात करते हैं। तो पहले जो ऐप होती है, मैंने ये सिलसिला कब शुरू हुआ था, इस सिलसिला शुरू हुआ था 29 जो है जुलाई को शुरू हुआ था, जबकि जो टिकटॉक बैन हो गया था। टिकटॉक बैन होने के बाद तहलका मच गया था, जैसे तहलका मच गया था, काफ़ी सारे लोग जो है बेघर हो गए थे, ऐसे बोलना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो बैन वाला क्राइसिस आ चुकी थी, मतलब वो बहुत बड़ी ऐप थी, जो कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता था, काफ़ी लोग उसमें जो एंटरटेन होते थे, एक तरीके की एंटरटेन पर्पज थी। बट अंडर 69A जो सेक्शन 69 है ए है, उसके अंदर में जो एक्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर क्या हुआ कि जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो लीक हो रही है, उसके मुताबिक जो है हमारी टिकटॉक को बैन कर दिया गया। और टिकटॉक के बैन होने के बाद जो है सिलसिला रुका नहीं, 2 सितंबर को एक बार फिर तहलका आया, जो कि पबजी जो है बहुत फैमिलियर थी गेमर्स के, जो है पबजी बैन हो गई। जब पबजी बैन होने के बाद अब बहुत बड़ा सिलसिला हो गया, पबजी बैन होने के बाद काफ़ी सारे लोग जो उदास हो गए, मैंने देखा इंस्टाग्राम में और काफ़ी सारे जो साइट्स होते हैं सोशल मीडिया साइट्स, वहाँ पर भी काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब में भी जो है काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाए और तहलका मच गया, जैसे एक तरीके की रिपोल्यूशन हो गई। तो चलिए ये सब गया, उसके साथ करीब 118 ऐप जो इंक्लूड करके बैन हुए थे पबजी को, और बहुत सारी जो चाइनीज ऐप सारी जो है रिलीज हो गई इंडिया से। तो एक फिर बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुनी कि एक जो है 43 नए ऐप्स बैन हुए इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर ऐप जो आती है हमारी AliSuppliers Mobile App, जी हाँ ये AliSuppliers Mobile App, अली वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस स्मार्ट जो मार्केट है, यहाँ पर अली की कंपनी जो है वो पूरी तरह से डूब गई इंडिया में, पूरी तरीके से बैन हो चुकी है अली की कंपनी। उसके बाद आती है यहाँ पर लालामूव इंडिया, ड्राइव लालामूव इंडिया, ये भी एक तरीके की ड्राइविंग ऐप है और ये भी बैन हो चुकी। उसके बाद जो कि सारी बहुत फेमिलियर ऐप थी, आप सभी जो इंडियन से इसको यूज़ किए होंगे, स्नैक वीडियो, जी हाँ यहाँ पर आपने यूट्यूब पर भी इसकी जो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपकी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, स्नैक वीडियो ये जो है बैन हुई है। और ये शायद इस 43 में से सबसे बड़ी नाम जो हम यहाँ पर उभर के आती है वो बैन हो चुकी है यहाँ पर। उसके साथ नीचे आपके कैम कार्ड और काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स लंबी चौड़ी हमें डिस्क्रिप्शन में जो पूरी लिस्ट दे चुके हैं, आप वहाँ पर देखे देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो है लिंक भी दे दिया, आप उसे देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप फोटो से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपदा नहीं है, हम सब कुछ दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके साथ आती है हैप्पी फीस, जेलीपॉप, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर जेलीपॉप, यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो बैन हो चुके हैं। इसकी एक ही रीज़न है जो कि आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि आपके इंडिया में फ़ोन को हैम कर दे, आपकी हमारी यूनिटी को जो है हैम पहुँचा रहे, इसीलिए तो इसको बैन किया गया। लेकिन कोई नहीं, जो भी गवर्नमेंट करती है अच्छे के लिए करते हैं, बहुत सोच विचार के साथ जो है गवर्नमेंट ये फैसला लेती है, और शायद मेरे विचार में गवर्नमेंट ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस जो है इस सिलसिले के ऊपर आपकी राय क्या है हमें जरूर कमेंट में बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है इन 43 ऐप्स जो कि आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी नाम भी हैं इस ऐप्स में और जो है बैन हुआ है, ये अच्छी हुई है कि ना, या तो इंस्टाग्राम कमेंट में बताइए। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, तो नमस्ते दोस्तों, स्टे सेफ।